चाइनीज प्रोवर्ब दैट बॉडी मे बी हील्ड बट नॉट द माइंड, सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ द माइंड। अज असे क्लास से जो आगाज क्यों था वो इन प्रॉब्लम के दिसम था जो एनटीएस में अची चुको है। इन एनटीएस वाले प्रॉब्लम के अस बेस बनाए करे दिसम था तो अज असा कड़ा टॉपिक इन प्रॉब्लम के सॉल्व करण में असा के हेल्प कदा। प्रॉब्लम आयो हुयो वेरी आई थिंक यू विल बी अवेयर टू व्हाट वाज द प्रॉब्लम। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स एंड दीज आर द थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द बी वेक्टर। यू हैड टू फाइंड आउट, फाइंड अ वेक्टर एक्स मींस न्यू वेक्टर एक्स व्हिच वन पैरेलल टू ए वेक्टर। एड़ो वेक्टर गोलनो हुयो जेको ए वेक्टर सा पैरेलल हुजे बट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, पर उन वेक्टर के जेको मैग्नीट्यूड हुजे वो बी वारो हुजे। वेरी इंटरेस्टिंग वॉज दिस प्रॉब्लम, सो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस। पर इन प्रॉब्लम के सॉल्व करण लाइ असांखे जेके कॉन्सेप्ट्स खपन वो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आहे टुडेज वन, यूनिट वेक्टर। यस, अज असां यूनिट वेक्टर पढ़ूं था। यूनिट वेक्टर जे बेस ते असां एतिरा लाइक थींदासीं इनशाला जो इन प्रॉब्लम खे तव्हां जल्दी सॉल्व करे वेंदो। लेट्स सी वॉट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के कंसेप्ट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आयो हुयो। यूनिट वेक्टर जी मां तव्हांखे शुरू में बुधायो हुयो द फिजिक्स में मोस्टली जेके मेन वेक्टर्स असां इंट्रोड्यूस कराया नी जेके फिजिक्स में यूज थींदा नी जंहिं जो असां ख़ास तौर ते ज़िक्र कयो से वन वॉज द नल वेक्टर, अदर वॉज द फ्री वेक्टर, थर्ड वन इज द यूनिट वेक्टर, फोर्थ वन विल बी द पोजिशन वेक्टर्स, position vector. So these all four are the main kinds of the vectors which are related to physics as well as mathematics. Let's see what is unit vector now. Unit vector nale ma zahira unki definition ta sabne ki achhi vai hundi. Unit vector means having a value of 1. अगर तव्हां चवंदो उन वैक्टर जो वैल्यू वन आहे त पोइ इन वैक्टर जो फिज़िक्स में मक़सदु कहिड़ो हूंदो आहे, त ही अहिड़ो ज़बरदस्त वैक्टर आहे जंहिंजो मक़सदु इहो हूंदो आहे टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वैक्टर। अगरि तव्हां वटि ऑलरेडी को बि वैक्टर आहे त उनजी डायरेक्शन डिटरमाइन करणु या इंडिकेट करणु कहिड़े वैक्टर जो कमु हूंदो आहे, दैट इज़ यूनिट वैक्टर। यस, सो इन जी डेफिनेशन के वरी असां अचूं डिफाइन कयूं था, पर इन खे फॉर एग्जाम्पल कंस यस डियर स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न अबाउट द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के समझण लाइ सपोज कयो त असां हिकिड़ो वेक्टर कंसीडर कयूं था इन वन डायमेंशन। सपोज दिस वन इज एनी गिवन वेक्टर इज, सपोज दिस वेक्टर इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, or I can say this vector is directed along the east, suppose any direction should be mentioned there. Suppose its name is A vector, its magnitude is 4 centimeter, it's okay. So this is a given vector. Now, where is the concept of the unit vector? Let's see. Its magnitude is 4 centimeter, but if I draw a line of 1 centimeter, but I keep its direction, I mention its direction, I show its direction in the direction of the first vector, in the direction of the given vector, which one? A vector. This vector is directed along the east direction or positive axis, and this vector is also directed along the direction of east. So can I say this is a vector but its magnitude is 1, but it has a particular property, which one? It is indicating the direction of the given vector. So this type of vector is known as the unit vector because its magnitude is unity or 1, but it indicates the direction of the given vector. So this type of vector is known as a unit vector. And if you want to say त हर वैक्टर के पंहिंजो यूनिट वैक्टर हूंदो आहे जेको उनजी डायरेक्शन ॿुधाइण जो ज़िमो रखंदो आहे, जंहिंमें डायरेक्शन ॿुधाइण जी सलाहियत हूंदी आहे, उनजी डायरेक्शन ॿुधाइण जी नॉलेज मौजूदु हूंदी आहे। लेट्स सी हाउ, सपोज दिस वन इज़ अ ए वैक्टर, त इन जे यूनिट वैक्टर खे स ऐं वैक्टर यू नो दैट
Any vector is indicated by the capital letter of English alphabet other than the proper vectors. I am talking about the general vectors which we consider. But its unit vector is always indicated by the small letters, and this one is a A vector. So unit vector must be indicated by A. अगर ये B vector हो जाया, तो इनके B sign indicate कहीं हुआ, C vector हो जाया, तो C sign indicate कहीं हुआ, पर हर unit vector जो symbol है हुंदुआ, तो उन्हें जो मतलब arrow जो sign न दिन्दो, arrow जो निशान न दिन्दो, पर hat दिन्दो, hat, a hat. So I can say this is a unit vector and it is indicated by A hat, or B hat, or C hat. It's okay. So I think you tanji revision thi bhai, the what is unit vector ke ke chebo a vector whose magnitude is unity but it indicates the direction of the given vector is known as a unit vector. Hane ta chando hi to hoyo vector in one dimension. Agar asa consider kayu a vector in three dimension, because you know that this space is three dimensional space. इन मकान के ऐसा चुनाव द ट्रे तरफ आएं x एक्सिस y एक्सिस एंड दिस वन इज सपोज z डायरेक्शन सो एनीवेयर वी हैव थ्री साइड्स टू मूव सो दैट इज व्हाई दिस वर्ल्ड इज थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड दिस स्पेस इज 3D ओके अगर ऐसा चाहूं था तो एक वेक्टर वन डायमेंशन में न हो जे पर ट्रिन डायमेंशन में हो जे तो उन वेक्टर के ऐसा की इंडिकेट करना से इनके जिसम फिलहाल ग्राफिकली समझाऊं था बाद में शिफ्ट थींदा से एनालिटिकली हर टॉपिक में ना एक्सपीरियंस कयो हुंदो वेक्टर्स बारे में त पहिरी असा ग्राफिकली समझंदा हूं बाद में असा एनालिटिकली शिफ्ट थींदा हूं इट बिकम्स वेरी इजीियर टू शिफ्ट फ्रॉम द ग्राफिकल मेथड टू एनालिटिकल मेथड असा एनालिटिकल मेथड वेरी इंपॉर्टेंट हुंदा नी उनमें फार्मूलास मिलंदा नी उन जे बेस से असा केड़ा भी प्रॉब्लम हल करे सकूंगा ओके लेट्स सी दिस इज ए वेक्टर वन डायमेंशन नाउ कंसीडर वेक्टर इन थ्री डायमेंशन थ्री डायमेंशन के छासा इंडिकेट करना हूं यू नो दैट थ्री डायमेंशंस आर इंडिकेटेड बाय थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस वन इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जी कोऑर्डिनेट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द ओरिजिन So these are the coordinates, x-axis, y-axis, z-axis you can say. So this world is. But always remember this third line is perpendicular to both lines. ठीक है? ये x-axis है, ये y-axis है, z. Three mutually perpendicular lines नहीं. ऐसा हवा में line कढ़ी न था सकूं, तेंजे कर इन्हें line के हिते draw करना हूं. पर always ता याद रखे हूं दो, तो ये line हिनन सब ने सा perpendicular है. So these three mutually perpendicular lines are known as the three-dimensional coordinate system, or you can say this one is the three-dimensional frame of reference. Yes, it's also said to be frame of reference. Okay, three lines are there. These three lines are indicating what? You can say indicating the space, 3D space. Now there is a vector. Suppose in space a vector is indicated. We consider a vector, but this vector is in space. In space means its effect lying along x-axis as well as along y-axis and the z-axis. So this vector, hina vector ke ta, hite board de na samjho, par thodo bahar consider kyo space mein. Chuta space mein three dimension mein yo vector vasto rakhe do. Inna vector ke ta chondo, to he vector ko ahe a space mein aam. हाँ तुम इन वैक्टर जो इफेक्ट है वो टिन तरफ में मौजूद है इन वैक्टर जो जो कुछ इफेक्ट है ये जो इफेक्ट है तुम चुनो एतरो थोड़ो बाहर अचूँ था तो दिस इफेक्ट इज एक्चुअली अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और ये जो बाहर वालों इफेक्ट है इन कंपोनेंट के नालो से ए वैक्टर जो एक्स कंपोनेंट वरी तुम चुनो हिता खा ये आए एक्स कंपोनेंट में आयासे वरी हिं वनूँ इन हेड ती तो दिस part is known as actually you can say y component because it is directed along the y direction these components are known as the rectangular components
because in these all components the angle is always 90. So these are the rectangular components. Okay, now third one, x component, y component, now the z component. So this one is the z component. So can we say whenever a vector is represented or given in the space, means in three dimension, then this vector must be divided into three parts, three components, three rectangular components, three orthogonal components. Yes, it's okay. One is the x component, other is the y component, third one is the z component. हाणे तव्हां जो हिकु वेक्टर स्पेस में टिनि हिसनि में विरिहाइजी वेंदो आहे, पर असांखे अगरि हे टई हिसा ॾिसो ग्राफिकली, तव्हां लुक एट दिस, कलर वारी ॻाल्हि आहे, त दीस थ्री कंपोनेंट्स आर ऑलरेडी एक्चुअली एडेड अकॉर्डिंग टू विच रूल, यू कैन से अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल. सो दिस फिगर शोज दैट दिस वन इज द एक्चुअली रिजल्टेंट वैक्टर ऑफ ऑल दीस थ्री वैक्टर्स आर थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. नज़र थो अचे त हे वैक्टर सभिनीनि जे सम जे बराबरि आहे, अगरि अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ॻाल्हायूं त. यस, नज़र थो अचे. हाणे हीअ शइ ॾिसो त अगरि हे ए वैक्टर ग्राफिकली असां रिप्रेजेंट कयो आहे स्पेस में, त इन ए वैक्टर खे असां एनालिटिकली कीअं शो करे सघूं था. त इन वैक्टर खे एनालिटिकली असां हीअं शो कंदा आहियूं त दिस वैक्टर इज एक्चुअली equal to the sum of all three rectangular components. Yes. पर हिते हिकिड़ी ॿी शइ ॾिसंदो त हमेशह एक्स जीअं हे ईस्ट वेस्ट या एक्स वाई ज़ेड कहिड़ी बि डायरेक्शन हुजे त देन वी कैन राइट द ए यूनिट वैक्टर. बट वेन एवर दिस इज वेरी फिक्स्ड यूनिट वैक्टर्स आर दीज दैट वेन एवर अ वैक्टर आर कंपोनेंट इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द एक्स कंपोनेंट, त इन जे यूनिट वैक्टर खे असां इंडिकेट कंदा आहियूं आई हेड सां. अगरि हे वाई कंपाउंड आहे त यू कैन से जे यूनिट वैक्टर, दिस वन इज़ द के यूनिट वैक्टर. सो ऑलवेज रिमेंबर त हे ए वैक्टर जे एक्स कंपाउंड जो ओनली मैग्नीट्यूड आहे, पर हे डायरेक्शन ॿुधाइण जो ज़िमो कंहिं ते आहे, आई हेड ते आहे. सर इहो कीअं आहे, अगरि वैक्टर सां कंपोनेंट खे असां मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेट था कयूं, त हितां वरी ॾिसो त कैन आई से दिस वन वॉज अ गिवन वैक्टर, विच वन, ए वैक्टर, वॉट वॉज इट्स मैग्नीट्यूड, यू कैन से 4 cm. विच वन वॉज द डायरेक्शन ऑफ दिस वैक्टर अलॉन्ग द ईस्ट, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. सपोज कैन आई राइट 4 cm इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इटैलिक के, and east is the direction, but direction is indicated by the unit vector. So her magnitude sa gad analytically asa likhna ayu unit vector, and unit vector jo kam yo hundo a then a given vector ji cha indicate kare direction. Yes, its magnitude is actually 1, but it indicates only the direction. Baki magnitude una vector ke 5 hundo 4 हिन जो वैल्यू 1 into 4, सो 4, सो इट्स मैग्नीट्यूड रिमेंड सेम 4, बट इट्स डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय दिस यूनिट वैक्टर. सो ॻाल्हि समझ में आई त जॾहिं बि वैक्टर खे एनालॉजिकली लिखंदो त हुनखे पंहिंजो मैग्नीट्यूड बि हूंदो ऐं यूनिट वैक्टर बि हूंदो. हाणे अगरि त हिते उहा ई ॻाल्हि ॾिसो रिपीट थी त हे एक्स कंपाउंड आहे, हे हुनजो मैग्नीट्यूड आहे, दिस वन इज़ द डायरेक्शन, बट फॉर द एक्स डायरेक्शन वी ऑलवेज यूज नॉट ए यूनिट वैक्टर, बी यूनिट वैक्टर, नॉट सी यूनिट वैक्टर, बट विच वन, आई यूनिट वैक्टर. फॉर वाई वी यूज द जे यूनिट वैक्टर, फॉर जेड वी यूज द के यूनिट वैक्टर. So I think, so this is a vector and these are the different three components. Each component has a particular direction. So different unit vectors must be there, I, J, K. So this is the formula for any vector in the space when it has three components. Agar yahi vector chahiye ho jaye only two dimension, the x and y must be there. पोइ हिन जा ॿ कंपोनेंट्स लिखा हुआ, फ़क़ति एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट. अगरि चऊं वैक्टर इन वन डायमेंशन आहे त हे न लिखंदो ओनली वन, ऐं वैक्टर वन डायमेंशन में आहे हुनजो कंप्लीट मैग्नीट्यूड ई हूंदो, जस्ट लाइक दिस, एंड दिस इंडिकेट्स इट्स डायरेक्शन. सो दिस इज़ अ रिलेशन फॉर
a given vector in one dimension, but this one is the relation for a given vector in three dimension, or you can say in space. The jalebi space mein unit ko vector huje, the hinna formula ke tick karna. One dimension mein huje the this, two dimension mein huje the there must be two components. I think clear. Okay, now we are further proceeding. The hane da he vector ke likhne jo tariko thiyo, he graphical method se ya, hane da analytical method se kya, a vector in one dimension, a vector in the three dimension. But what will be the problem? Asan jo problem a unit vector go ran. So the har unit vector panji given vector sa always remember. Direction tadhe se indicate kare sage do whenever unit vector is parallel to the given vector. The jare hai de chayala the find a vector x parallel to a vector. The means asan ke a vector jo unit vector golan wa. So the unit vector always given vector sa cha hundwa. So you can say parallel hundwa. Always remember unit vector has magnitude 1. It indicates the direction of the given vector and it is always parallel to the given vector. Ye words mujhe yaad rakho, ye akte taanke kam dinda with confidence. Be attentive. The theek a unit vector sir parallel hundo tadhe the direction budhaindo, but how can we determine the unit vector? Ite asanke a edu vector golnwa jeko a sa parallel hoje. Means a jo unit vector golno a. The unit vector a jo kien gole sagam tha. I think it's very simple from this relation. Can I say unit vector will be equal to a vector divided by its magnitude. So it's very clear, very important this formula is. You learn today, you revise today, and now you will use today. Okay, let's see. Unit vector, how can we define the unit vector? Can you say unit vector is always obtained by dividing a vector with its magnitude? Whenever a vector is divided by its magnitude, then you will get the knowledge or information of the unit vector. Very clear. So hane ta to he ahe unit vector jo formula in one dimension. But sir, hite vector ahe in three dimension. So how can we find out the value of the unit vector for a vector in space, means in three dimension? So the hite bhi jeko taange vector milela, it is not in one dimension, but in three dimensions, because three rectangular components are given. Haan taange tre compounds milelni, the taan chondo ta hinne vector miliyo. The vector जो असांखे magnitude गोलना चाहिए, magnitude गोलना चाहिए तो बिन के divide करना से, तो we will be able to determine the unit vector parallel to this a vector, then it will become easy. Already भी पढ़े हुए हूँ तो ता, ठीक है, तो हाँ ही रिसो, तो vector है ना कि खत्म था कहीं graphical method के, हाँ ही ऐसा shift क्यों था, analytical जी तरफ, ताचुंगो ये आए for vector. Yes, this is the relation for vector. But agar taango puchho ni the for magnitude, how can we write the relation for the magnitude of this a vector? Already coaching classes mein padhi aaya the from vector to magnitude, how can we shift the pi squaring both sides? Yes, very common mathematical way is this, by taking square on both sides. Or we can say by squaring both sides. Okay, let's see. If this a vector is squared, then it becomes magnitude. The hana vector na likhan do a italic a likhan do magnitude. So this one will be x square, this one will be a y square, this one will be a z square. Now you will ask about the sir I square, j square, k square is where. So you know I is what? I is the unit vector. What is the value of the unit vector? You will say sir 1. So what is the square of the 1? You will say 1. So can I say I square is 1, j square is 1, k square is also equal to 1. So we can omit these unit vectors.
remember the names of these IJK. IJK are known as the rectangular unit vectors. केड़ो ए हुजे बी हुजे सी हुजे तो तांच सडींदा और के वेक्ट यूनिट वेक्टर पर जदे भी आई जे के जो जिक्र अची वने तो तां समझी वेंदो तो दीज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर दैट इज व्हाई आई जे के आर रेक्ट एंगुलर यूनिट वेक्टर्स सो इट्स देयर नेम Yes, IJK are rectangular unit vectors because these are always perpendicular to each other. Hane na chundo, this was the relation for a vector, this is the relation for magnitude of a vector. Par anja na chundo, sir, ne jo square na likha ho, square ke una side te khani vendo. So you can write like this. So this is the relation for magnitude of a vector. In three dimension. हाँ ना चाहिए सागो था अगर tray compounds हो रहे million नहीं तो we can determine the magnitude of this A vector and by dividing this magnitude with a vector we can determine the unit vector. पहुँची वैसे जेक मकसद खायो से तो वही हेडो सवाल अच्छी सागे थो हेडो सवाल अच्छी भी चुको है तो एडे सवाल की हल करने लाय परेशान न थियण घुर्जे असांखे यूनिट वैक्टर जेका नॉलेज आ उन हेल्प कई त असां अहिड़ो वैक्टर एक्स ॻोल्हे सघूं था विच मस्ट बी पैरेलल टू ए वैक्टर एंड दैट वैक्टर इज एक्चुअली यूनिट वैक्टर बिकॉज यूनिट वैक्टर इज ऑलवेज पैरेलल टू एनी गिवन वैक्टर त कंहिं बि वैक्टर जो यूनिट वैक्टर ॻोल्हींदासीं त उहो हमेशह गिवन वैक्टर सां ऑलवेज पैरेलल हूंदो So, direction saagi rakhando. Very clear. Okay, let's see. So, this is the relation for unit vector in one dimension. Agar asan ko puchho vane, ta haane A vector hite jeko milela, wo three dimension mein three components ni. And this is a way to determine the magnitude of this A vector. Ta chalo, inhi A vector jo mukhe budhayo, ta ta magnitude kiye solve kando har vector je compounds ma foreign magnitude malum karni practice ta ni thal ho je ya shape physics mein vectors wale chapters related problems mein ta ke tamam ghano kam indi haane ainda hai formula bhi likhne di zarurat na hai foreign ta in ke use kare jawab dindo budhayo what is the value of x here you say you can see 2 So can I write 2 square means 4? What is value of AY? AY is plus 3. Plus 3 means square is 9. AZ is here equal to minus 1. And square of minus 1 will be equal to plus 1. So is this right? Yes, this is the magnitude. हाणे तव्हां चवंदो इन्हनि कंपाउंड्स खे स्क्वायर करण खां पोइ छा ॾियणो आहे इन्हनि खे असांखे रेडिकल ॾियणो आहे स्क्वायर रूट में लिखणो आहे हाणे तव्हां इनखे हल कंदो 9 1 10 + 4 कैन आई राइट 14 रेडिकल सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वैक्टर यस रेडिकल 14 वधीक सॉल्व करण जी ज़रूरत न आहे एतिरो ई लिखी छॾियो एंसर में ई अहिड़ा वैल्यू हूंदा नी उते कैलकुलेटर अलाउड ना है वधिक अगर तां इन जा हल करे सगो था जदे भी वडो वैल्यू हो जे तो वध में हल करे सगो था उन जा मुफरद जुजा जी निकरंदा नी मुफरद जुजा कडी करे प्राइम फैक्टर्स कडंदा हो या पेयर्स ठाइंदा हो पेयर जे जा ठाइंदा उन के बाहर लिख रखंदा हो रेडिकल खा जे अंग जो पेयर नथो निकरे उहे उनन के असा इनसाइड द रेडिकल रखंदा हो अगर जरूरत हो जे हाने ते वधिक जरूरत ना है So, this is the magnitude of this given vector. हाने ताँ चुन्दो असां के इन A vector जो just magnitude determine ना है करनो. पर इन A vector G असां के determine करवानी unit vector. Because that unit vector will always be parallel to this A vector. हाने असां के determine असल में करनो unit vector. So, है ता है इन जो magnitude मिली हो. हाने ता आसानी सा डिटरमाइन कर सको दा इट्स यूनिट वेक्टर बिकॉज़ इट्स यूनिट वेक्टर
अच्छा इट्स यूनिट वेक्टर जो मतलब आप द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वेक्टर छ तो एक्स वेक्टर जो यूनिट वेक्टर जी वो है डायरेक्शन हुंदी जेका ए वेक्टर जी डायरेक्शन हुंदी सो ता डिटरमाइन करलो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर बट दैट विल बी एक्चुअली द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वेक्टर जो मतलब आ है द न्यू वेक्टर एंड इट इज इट विल बी पैरेलल ओके लेट्स सी हाने ता चंदो त इनके मी हल कजे ये फॉर्मूला तो हम मौजूद है चलो इन्हें के भी मिटाइन था बियर लिखा हूं था नाउ कैन आई से आई एम गोइंग टू डिटरमाइन यस तासा के ए वेक्टर जो मैग्नीट्यूड भी हासिल थी हो हाने ता चंदो इन्हें जो असा गोले सके था यूनिट वेक्टर एंड वो यूनिट वेक्टर ए वेक्टर सा चाहूंदो पैरेलल हुंदो पर उन यूनिट वेक्टर के सा फकत नालो लिखा था एक्स वेक्टर दासा के अहड़ो वेक्टर फाइंड आउट करवा जेको ए सा पैरेलल हो जे ए सा पैरेलल जो मतलब आ वो ए जे यूनिट वेक्टर जे बराबर हो जे त असा के फाइंड आउट करनो होयो एक्स वेक्टर त असा समझिया से त हाउ कैन आई राइट एक्स वेक्टर इज नाउ इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ ए एंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड हाने सिखिया The unit vector is always obtained by dividing a vector with its magnitude. Yes, sir. It's very simple. So, हाने ताँ चोंदो, A vector छा लिखाऊं, तो उन्जा compounds लिखांदो, 2i plus 3j minus k divided by its magnitude. What's its magnitude? Radical 14 is its magnitude. So, this is a x vector. Which has the direction of the A vector because this is equal to unit vector means now its direction is parallel to A vector. The you asanke x vector do miliyo jeko A vector sa parallel hai wo mili chuko par taha chundo hina saje jo magnitude cha hundo hina jo magnitude hundo 1 because unit vector is always equal to 1 so its magnitude is 1 but now we have to give it the magnitude of the b vector so the tan ko ye chala the but has magnitude of b vector hane ta chuno ye x vector jo unit vector jo matlab ahe ta inna me jo ko magnitude ahe wo 1 ahe theek ahe 1 ahe ye jawab 1 magnitude rakhe do पर तां चंदो इनन के मैग्नीट्यूड देणो आ बी जो मैग्नीट्यूड केत्रो आ इतई फाइंड आउट करे सको दा 4 16 2 4 2 4 16 प्लस 4 20 20 प्लस 4 24 24 रेडिकल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अगर हिन यूनिट वेक्टर सा b वेक्टर जो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कयो था त हे एड़ो वेक्टर थियो जे में मैग्नीट्यूड त b जो आ पर उन में डायरेक्शन केंजी आ डायरेक्शन a जी आ दिस इज योर सेंसर पर आंसर हिए न लिखेल होयो ओके कैन आई राइट लाइक दिस हिए लिखि सकम था ओके कैन आई राइट लाइक दिस यस कैन आई सॉल्व दिस यस सर यू कैन सॉल्व रेडिकल 1 2 12 and over radical 7 you can write and this is the same 3j minus k so this was the answer of this problem he ta ki ma gal samjhane koshish kai tenje kare ta ke pero ho unit vector bhi samjhiyo उन टॉपिक के रिवाइज क्यों से यूनिट वेक्टर के भी समझो से एंड यूनिट वेक्टर के समझंदे उन सा रिलेटेड इन प्रॉब्लम के भी समझिया से पर इन प्रॉब्लम ते ता अलग प्रैक्टिस कयो त अन्या बेहतर आ हाने ता एको तरीको सिखियो त जने भी एडो अननोन वेक्टर मालूम करनो होजे जो उन के डायरेक्शन एक वेक्टर जी होजे पर मैग्नीट्यूड बे वेक्टर जो होजे तो पहले वेक्टर जी ता फकत फाइंड आउट कंदो यूनिट वेक्टर तो में डायरेक्शन फर्स्ट वाले जे अची वेंदी सेकंड वेक्टर जो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कंदो तो मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर जो अची वेंदो सो इट्स
it has magnitude of b vector, but it has the direction of a vector. So this is your answer was in that question. I hope to tell you samjhoge. Agar na bhi samjho aap ghabrayo na. Hite asange time ghano ahe. I asan classes jane ase vathunda. To me slowly halunda. Nanhe nanhe topic te practice karna chunda. हालांकि यह प्रैक्टिस जी ऐसा के जब चांसेस होता हुआ उते क्लासेस में न मिलना हुआ इते ता शुक्र कयो जो इन कोरोना के शुक्र हुआ तो न करन खपे पर पो भी ऐसा चाहिए सकम था त असा के चांस मिलियो जो असा के टीचर्स तमाम स्लोली पढ़ाइन था नडे नडे टॉपिक्स ते भी प्रैक्टिस कराइन था पानी ऐसा प्रॉब्लम लिखंदा ता Yes, my dear students, now come to more practice. Listen, unit vector ke samjho se, unit vectors are related hikre kisma je problem ke samjho se, bhi kisma je kahe problem ke samjhaun, je mein vari unit vector jo zikr huje kahe na kahe vaisa in one way or in other way. Let's see. Hikro he problem kahe kisma jo achi sage tho. Very simple one, you can, par concept huje ta. The unit vector, again you have to determine the unit vector, yes parallel, how can vectors are parallel, but the unit vector is parallel to the resultant, to the not A vector parallel, not parallel to B vector, but parallel to the resultant, resultant of the vectors, which vectors A and B. इन जो मतलब चाहिए तो ताके resultant vector सां parallel जो को unit vector आहे वो determine करना आहे तो first of all you will say sir which one is the resultant vector whenever it is asked that the resultant vector means you have to get the sum of these vectors resultant of two vectors means you have to add these two vectors and the new vector will be resultant vector and you have to determine the unit vector of that resultant vector not the a vector or b vector clear samjhiyo unit vector sange resultant vector jo malum karno a resultant vector bin ya bin kha vadhik vector so cha hundo a sum hundo a sum hundo a always remember okay let's see which one is the resultant vector sir so in solution in detail पर इतने ही ताने सो find out करे सको दा simply किया तो direct ता find out क्यों resultant vector किया मिलन दो a plus b सर किया थी दो I वाला I सा add कर दो j वाला j सा k वाला k सा that's all don't there is no need to write these components and then add no there is no time that's it 3i minus i can I write 2i minus 5j plus 7j can I write plus 2j minus 2k plus k can I write minus 1k par 1 likhne zarurat na hai because k is already unit vector and unit vector has the magnitude of 1 unity so this is our r vector r vector means resultant vector पर यो रिजल्ट वेक्टर ना मालूम करवा असान के ना जो छा मालूम करवा यूनिट वेक्टर मालूम करवा सो यूनिट वेक्टर किया मिलंदो यू नो दैट बाय डिवाइडिंग आर वेक्टर विथ इट्स मैग्नीट्यूड सो व्हिच वन इज आर वेक्टर दैट इज 2i प्लस 2j माइनस k व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड सर मैग्नीट्यूड इज वेरी सिंपल 2 टू द 4 2 टू द 4 1 1 द 1 So 4 plus 4, 8, 8 plus 1, 9, 9 radical is equal to 3. So this is answer. I simple. Pehle aap aasan difficult lage pyo. Concept sahi nahi, aasana. So jane bhi problem nathe tho taan kha, ta concepts de moti vanyo. Unna topic ke padho, vari moti acho, vari halke ho. Vari natho the, vari concept de vanyo. वरी ता प्रॉब्लम ने मोटी अचो इहा ता के शुरुआत को चेवा द टू एंड फ्रो मूव कंदा रंदो बिटवीन द कंसेप्शन प्रॉब्लम कंसेप्शन प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर टेक्स्ट बुक्स
Yes, my dear students, still more practice is required on the unit vector. Find out which one is a unit vector among all these four options. Which one is a unit vector? Which one is the correct answer for the unit vector? So, and this is three vectors ite likhelni. Hane ta ki unit vector determine na karnwa. By finding out the magnitude of vector by dividing to the vector, no. ताकि unit vectors already मिलल नहीं, ताकि check करना था which one of the following is unit vector. It means you have to just check it out that which one is the unit vector. Unit vector केरो जन गुर्जे, whose magnitude is sir one. तो find out क्यों जेंजो की magnitude one अच्छे, that is unit vector. Otherwise no. Very simple. Let's see. इन्हें कहीं check क्यों? मैग्नीट्यूड की फाइंड आउट कर दो हर कंपाउंड्स के स्क्वायर करना ऐड करना रेडिकल करना यो ही आज सीखियो तो जस्ट हिकरी शायद सीखी था ओके हाउ कैन वी स्क्वायर स्क्वायर रेडिकल कैंसिल थ्री स्क्वायर रेडिकल कैंसिल थ्री स्क्वायर रेडिकल कैंसिल थ्री थ्री टाइम्स थ्री सो दैट आंसर इज इक्वल टू नाइन एंड नाइन रेडिकल इज इक्वल टू थ्री सो दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर साबित हो तो ही तो यूनिट वेक्टर ना है हाँ ही नहीं शायद देखा कैन आई से सो हियर बाय स्क्वायरिंग द ईच कंपोनेंट स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट विद दिस रेडिकल्स ओके देयर विल बी वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड थ्री टाइम्स वन थर्ड थ्री टाइम्स वन थर्ड मीन्स आई कैन राइट थ्री बाय थ्री रेडिकल कैन आई से दिस इज वन वन रेडिकल वन इज वन यस दिस वन इज यूनिट वेक्टर यो यूनिट वेक्टर आहे तो हाने दिसाऊं तो सी यूनिट वेक्टर आहे या न यूनिट वेक्टर ये कैटेगरी में अच्छे थो या न लेट्स सी बाय स्क्वायरिंग ईच कंपोनेंट मींस स्क्वायर रेडिकल विल बी कैंसिल सो देयर विल बी थ्री बाय ओवर थ्री रेडिकल में आहे तो इन जो रेडिकल कैंसिल थी पर इन थ्री का स्क्वायर करणो पोंदो बिकॉज़ यू हैव टू सॉल्व द होल स्क्वायर Okay, 3 will become 9. Again, this is 3 over 9 plus 3 over 9. Radical must be there. Can we say LCM is 9? You can say denominator is same, so that is why I can write 9. Okay, 3 plus 3 plus 3, 9. 9 divided by 9, that's 1. Radical 1 is equal to 1. So this one is also unit vector. So can we say D is correct option because here it is written that both B and C are unit vectors.